तो जय हिंद दोस्तों, मैं भीषम शर्मा फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नई और वीडियो लेके। तो डिमांड आती है नोएडा के अंदर, वो आती है इंडिपेंडेंट हाउस की, और जो कि अगर हम ग्रेटर नोएडा वेस्ट की बात करें तो ये चीज़ें आपको बहुत कम देखने को मिलती हैं। उसी में से मैं आज आपके लिए एक ढूंढ के लाया हूँ, एक अपनी पाम विला के नाम से एक सोसाइटी है जिसके अंदर आपको इंडिपेंडेंट विला बना के दिए जा रहे हैं, और उसमें कुछ रेट ही हैं और किस किस साइज के हैं उसके अंदर, तो जानेंगे इस वीडियो में। तो मैं पहले आपको उसकी लोकेशन के लिए करता हूँ। ये जो लोकेशन होने वाली है सदरलापुर ब्लेज पड़ता है, और ये पड़ता है आपका सेक्टर 10 के अंदर आता है आपका सदरलापुर ब्लेज। और अगर हम इसकी डिस्टेंस की बात करें एक मूर्ति से, तो एक मूर्ति से सिर्फ 5 से 7 मिनट की दूरी पे है। और ये कोई जैसा आपने ब्लेज का नाम सुना है, तो ब्लेज तो अब जैसे ही स्टार्ट होता है आपका, और ये आपका सेक्टर 11 जो अथॉरिटी का है उसी से लगा हुआ एरिया है आपका, तो मतलब ज़्यादा ब्लेज के अंदर नहीं है सोसाइटी। तो पहले मैं आपको जो 72 गज का विला है वो आपको दिखाता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आपको पूरी सोसाइटी के बारे में बताऊंगा, इसके अंदर क्या क्या सुविधा मिलने वाली है और किस प्राइस में आपको यहाँ पर इंडिपेंडेंट विला आपको मिलने वाला है। तो जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ मीशम शर्मा, और एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल द फैमिली हेल्पर में। तो चलते हैं आज की वीडियो को शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले अगर हम हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको ऐसी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो ये दोस्तों, ये वो 72 गज की विला हैं जिनका काम चल रहा है, और जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो ये सैंपल हैं जो कि सैंपल के तौर पर रेडी किए गए हैं। और जैसा मैं आपको सैंपल दिखा रहा हूँ, आपको और जो विला मिलेंगे सेम इसी टाइप के आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं इस वाले विला की बात कर रहा हूँ, और ये सामने जो देख रहे हैं आप, ये आपकी एक कार पार्किंग है जिसमें आप एक फॉर्च्यूनर तक खड़ी कर सकते हैं, और जो उसका डायमेंसन है इस विला का वो है आपका 18x36 का। तो विला के अंदर चलते हैं हम, तो काफ़ी अच्छा आपको फ्रंट मिल रहा है, और जो फ्रंट पे डिज़ाइन का काम किया गया है वो भी काफ़ी अच्छा है। और अंदर चलते हैं हम, तो आपका डाइनिंग एरिया आ गया आपका सामने, और डाइनिंग एरिया देख रहे हैं आप, तो काफ़ी खूबसूरत आपको डाइनिंग एरिया मिल रहा है। और ये जो आप वॉलपेपर देख रहे हैं ये भी काफ़ी अच्छा दिया गया है आपका, तो काफ़ी सुंदर लग रहा है देखने में। और मेरे इसकी छत के ऊपर देखेंगे तो ये आपका फॉल सीलिंग का काम है जो कंप्लीट है, और ये सामने आपका किचन है, और ये देख रहे हैं आपका, ये आपका LCD पैनल है आपका जिसमें आप अपना TV LCD वगैरह फिट कर सकते हैं। और जो जो आप देख रहे हैं ना इस विला को, सेम आपको उसी टाइप का आपको विला आगे मिलेगा। और सामने आपको किचन मिल रहा है, और इसके अंदर देखें तो एक आपको टॉयलेट, जो आपका टॉयलेट हो गया आपका, टॉयलेट का साइज, जो टॉयलेट का साइज है वो काफ़ी अच्छा है आपका। और ये आपका किचन आ गया, तो किचन में आपको पूरा कंप्लीट काम करके दिया जा रहा है, जो लकड़ी का काम होता है एक किचन के अंदर वो पूरा कंप्लीट है। और जितने भी इसके अंदर आपको विला मिलेंगे वो पूरा काम आपको करा के दिया जाएगा इसके अंदर आपको। और जैसा मैं आपको सैंपल दिखा रहा हूँ, सेम आपको इसी टाइप का आपको दूसरा विला भी आपको मिलेंगे। तो इससे ऊपर चलेंगे हम, टेरिस पे चलेंगे, टेरिस से ऊपर जो आपके 2 रूम ऊपर हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो उससे पहले मैं आपको ये वाला रूम दिखाता हूं, तो ये आपका रूम है, तो रूम का साइज भी काफी अच्छा है, ये आपका करीब 10x13 का रूम है आपका। और इस रूम के अंदर भी आपका फॉल सेलिंग वगैरह पूरा कंप्लीट करके दिया जा रहा है। और सामने जो देख रहे हैं वो वॉलपेपर है आपका, अंदर चलते हैं, तो अंदर मैं आपको ये दिखाऊं, अंदर आपको ये स्पेस मिलता है जो कि साफ्ट का स्पेस है आपका, आप इसको किसी भी चीज़ में आप यूज़ कर सकते हैं इस स्पेस को। ये आपको पूरा स्पेस मिलने वाला है, और काफ़ी अच्छा स्पेस है, इसको आप वॉशिंग मशीन के इसमें यूज़ करें, किसी चीज़ में भी स्टोर रूम बना सकते हैं जिससे आपका वेंटिलेशन पूरा रहेगा, तो ये चीज़ आपको दी जा रही है। तो अब चलते हैं हम थोड़ा ऊपर की तरफ, ऊपर चलने से पहले आपको मैं यहाँ पर दिखा दूँ, इस रूम के अंदर आपको एक छोटा सा स्टोर रूम मिल रहा है,
जिसमें आप अपना इन्वर्टर वगैरह या कुछ भी आप जैसे यूज़ करना चाहें तो आपको एक स्पेस मिल रहा है। आपको किस चीज़ में आपको यूज़ करना है वो आप पे डिपेंड करता है। तो अब चलते हैं हम ऊपर की तरफ, और जीने का साइज और डिजाइन वगैरह काफ़ी अच्छी दी जा रही है। तो अब आ गए हम फर्स्ट फ्लोर पे, और फर्स्ट फ्लोर पे जैसे ही हम एंट्री करते हैं तो हमें दिखते हैं गणेश भगवान जी, और आपको एक छोटा सा मंदिर दिया जा रहा है, और छोटा मैं बोलूँ तो छोटा नहीं है, काफ़ी अच्छा मंदिर, साइज मंदिर का साइज काफ़ी अच्छा है। तो पहले मैं आपको राइट दिखाऊं या लेफ्ट दिखाऊं, तो मैं पहले आपको लेके चलता हूं लेफ्ट, जो आपका मास्टर बेडरूम है वो दिखाता हूं, और यहां से हम चले जाएंगे टेरेस की तरफ। तो टेरेस पे भी चलेंगे हम, तो पहले आपको ये वाला रूम साइज दिखाता हूं। तो ये रूम साइज भी सेम जो नीचे का साइज मैंने आपको बताया था 10x13 का, सेम साइज आपको ऊपर मिल रहा है आपको। और बाकी आप देख रहे हैं फॉल सीलिंग का काम पूरा कंप्लीट है। अंदर से मैं आपको दिखाऊं तो ऊपर ये आपको स्पेस मिल रहा है जो साफ्ट का मैंने आपको बताया था। आप इसके ऊपर आप एक फ्लोर और बना सकते हैं, तो घर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी चलते हैं हम अब ऊपर की तरफ। ऊपर चलने से पहले आपको एक स्पेस में ये दिखाता हूं, इसके अंदर ही आपको टॉयलेट दिया गया है, बाथरूम आपका लेटरिन बाथरूम आपका सी में है, तो इसका भी साइज काफ़ी अच्छा है आपका। तो तीन रूम और तीन टॉयलेट और एक किचन आपको इसके अंदर आपको मिलने वाला है। इसके अंदर आपको ड्रेसिंग एरिया भी आपको मिल जाएगा, तो इसे आप ड्रेसिंग एरिया में आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी अलमीरा का काम पूरा कंप्लीट करके दिया जा रहा है आपको। तो काफ़ी अच्छा आपको ऑप्शन मिल रहा है, और जैसे मैंने आपको बताया सेम आपको यही टाइप का आपको दूसरे जो विला आपको रेडी किए जा रहे हैं वही मिलेंगे आपको, और मैं वो भी दिखाऊंगा आपको कितने कितना काम कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं हम आपका दूसरे रूम में। तो इस रूम के अंदर देख रहे हैं, इसके अंदर भी काफ़ी अच्छा वॉलपेपर दिया गया है आपका। तो दोस्तों 3BHK आपको काफ़ी अच्छा साइज मिल रहा है आपको, और इसके अंदर भी आपको एक टॉयलेट आपको मिल रहा है, टॉयलेट अटैच लैट्रिन बाथरूम आपको इसके अंदर ही मिल रहा है। अब मैं इसमें दिखाऊं आपको, पर यह वाला जो आपका टॉयलेट बाथरूम है ये काफ़ी बड़ा है औरों के मुकाबले, जो नीचे दो दिए हुए टॉयलेट, मतलब एक नीचे दिया हुआ है एक ऊपर अंदर जो मास्टर बेडरूम था उससे बड़ा साइज का आपको ये टॉयलेट आपको मिल रहा है इसके अंदर। अब चलते हैं थोड़ा बाहर की तरफ चलते हैं, इससे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ। तो इसमें भी आपका ये देख रहे हैं लकड़ी का काम पूरा कंप्लीट किया हुआ है, और ये आपकी अलमीरा होगी इसमें लकड़ी की। तो मेरे हिसाब से आपको काफ़ी अच्छा ऑप्शन मिल रहा है आपको। अब मैं दिखाता हूँ आपको बॉल्कनी से, ये आपको बॉल्कनी मिलती है। अब मैं आपको इसके टेरेस पे लेके चलता हूँ, तो टेरेस में मैं आपको दिखा देता हूँ। टेरेस भी देखना जरूरी है हमें टेरेस, बाकी तो सेम साइज है 72 गज का है, तो आपको काफ़ी बड़ा टेरेस पे साइज मिलेगा आपको। और ये रहा स्पेस, यहाँ पर भी आप इन्वर्टर वगैरह अपना यूज़ करने के लिए लगा सकते हैं। ये आ गया आपका टेरेस। अब मैं यहाँ से आपको दिखाने की कोशिश करूँ, तो सामने सेक्टर 10 के जनता फ्लैट है, सेक्टर 11 में आते हैं सॉरी, ग्रेटर नोएडा वेस्ट के, और सामने हाई राइज देख रहे हैं आप। तो दोस्तों जो मैंने आपको अभी 72 गज का विला दिखाया है वो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताइएगा। बाकी मैं आपको एक बार इसकी लोकेशन और क्लियर कर देता हूँ। ये आपका जो एक मूर्ति से आपका दूसरा गोल चक्कर पड़ता है आपका, जो कि रोजा जलालपुर के लिए आपका जाता है, उससे अगला गोल चक्कर आता है गुजर सम्राट चौक,
तो वहाँ से हम लेफ्ट लेंगे तो वो सीधा आपका सदरलापुर विलेज के लिए आ रहा है, और ये विलेज के अंदर प्रॉपर नहीं पड़ता पर आता, ये जो लोकेशन है ये सदरलापुर विलेज के अंदर आती है, बट ये आपका जैसे सदरलापुर विलेज स्टार्ट होता है वहीं आपको अपनी पाम विला की लोकेशन आपको मिल जाती है, मतलब ये ज़्यादा आपके अंदर नहीं है। अब बात आती है इसके अंदर किस किस साइज़ के आपको विला मिलने वाले हैं। इसके अंदर जो साइज़ मिलेंगे, इसके अंदर तीन साइज़ अवेलेबल हैं। एक है आपका 64 गज का, जो कि आपका 46 लाख रुपये में है डुप्लेक्स, जिसको आपको फुल फिनिशिंग के साथ दिया जा रहा है और सेमी फिनिश आपको मिल जाएगा। दूसरा आता है आपका 72 गज का, जिसका प्राइस है 52.5 लाख रुपये, ये भी आपको डुप्लेक्स मिलेगा जो मैंने आपको दिखाया है। तो आपको सेम जैसा मैंने आपको दिखाया है सेम ही आपको 72 गज का मिला, दूसरा भी आपको यही मिलेगा। चौथा आता है आपका 96 गज का, तो 96 गज का जो आपको मिलने वाला है वो 68,50,000 रुपये का आपको इसमें मिलने वाला है। आप देखिए इसके प्राइस ज़्यादा हैं और जैसी लोकेशन है उसी हिसाब से उसके प्राइस हैं। और बाकी इसमें आपका लोन हो जाएगा 80% तक, वो डिपेंड करेगा आपकी प्रोफाइल पे। अब बात आ जाती है सोसाइटी के अंदर और बेसिक फैसिलिटी हमें क्या मिलने वाली है। इसके अंदर जो हमें फैसिलिटी मिलने वाली है, इसके अंदर जो भी आपकी वायरिंग रहेगी, मतलब इलेक्ट्रिक वायर जो रहेगी वो आपकी अंडरग्राउंड रहने वाली है, कोई भी आपके खंभे इसके अंदर आपको सोसाइटी में नहीं देखने को मिलेंगे, जो कि आपको बहुत प्लस पॉइंट मेरे को इस सोसाइटी का लगा। अब इसके अंदर आपको एक स्विमिंग पूल, क्लब और साथ में आपको इसी के अंदर आपको मार्केट मिलने वाली है, जिसमें आप करीब आपकी 20 दुकानें होने वाली हैं आपकी सोसाइटी के लिए। अब इसके अंदर आपको टोटल जो आपको विला मिलेंगे वो 57 आपको मिला मिलने वाले हैं, जिसमें आपको मैंने तीनों साइज आपको बता दिए हैं। इसके अलावा इसमें ना तो आपको ज़मीन मिलेगी और इसके ऊपर का साइज आपको मिल सकता है, पर इससे नीचे का साइज आपको कोई भी नहीं मिलने वाला जो मैंने आपको बताया है। लोन का मैंने आपको क्लियर कर दिया है और स्कूल वगैरह सब आसपास ही हैं। बाकी कितनी सारी वीडियो मैं बना चुका हूँ उस लोकेशन की, तो लोकेशन काफ़ी अच्छी आपको मिलने वाली है। अब आती है सोसाइटी की बात, तो सोसाइटी के अंदर अगर आप देखेंगे तो यही आपको दो सैंपल सोसाइटी के अंदर जो सैंपल था ये मैंने आपको दिखाया, और बाकी इसके अंदर अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो इसके अंदर काफ़ी सारे जो विला हैं इसका 50% काम कंप्लीट है। हम यहाँ पर विला बुक कराते हैं तो करीब हमें 5 से 6 महीने का टाइम लगता है डिलीवरी करने में। तो दोस्तों इसमें आपको रजिस्ट्री और म्यूटेशन आपको करा के दी जाएगी। इसके अलावा जो मैंने आपको चार्ज बताया है उसमें आपको सिर्फ रजिस्ट्री चार्ज और प्लस मीटर चार्ज आपको देना पड़ेगा। दोस्तों जिस सोसाइटी की मैंने आपको अभी डिटेल दी है ये पूरी एक फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने यार दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, ऐसी एक नई वीडियो में। तो चलते हैं, जय हिंद जय भारत।